रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और ईद उल फितर को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के संबंध में आज गदरपुर थाने में एसडीएम की मौजूदगी में अमन कमेटी की बैठक की गई। वही बैठक में बाधित प्लास्टिक के ग्लास में कोल्ड ड्रिंक देने से एसडीएम भड़के और अधिशासी अधिकारी की क्लास लगाते हुए थाने को 500 रुपए का जुर्माना लगाया और आगे के लिए सीख दी। लाइव उत्तराखंड के लिए गदरपुर से डीके सरकार की रिपोर्ट। बारह तारीख को अभी ईद उल जुहा का त्यौहार है, तो उसी के रिगार्डिंग ये पीस कमेटी की और जो विभागीय अधिकारी हैं उनके साथ बैठक आयोजित की गई थी। इसमें जो पूर्व के अनुभव रहे हैं उसके आधार पर क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसके बारे में विचार विमर्श किया गया और त्यौहार को देखकर जो सतर्कता है उसके बारे में चर्चा की गई। कुर्बानी और उसके बाद उसके मलबे के प्रॉपर डिस्पोजल के लिए दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। सभी लोग जैसे पूर्व में इसको शांति के साथ मनाते आए हैं, सभी ने विश्वास जताया है और हम आशा करते हैं कि खुशियाँ लेकर आएगा और जैन के साथ इसको मनाएगा। नहीं, उसमें विशेष सतर्कता बरती जाएगी। जहाँ जहाँ पर भी हमारे नमाज के स्थल हैं वहाँ पर उस दिन ड्यूटीज रहेंगी, पब्लिक शॉप ड्यूटी रहेगी। साथ ही जो हमारे नगर पालिका के कर्मचारी हैं उनको तैनात किया जाएगा, इस तरह की स्थिति नहीं है। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।